देश और दुनिया में बेहतरीन वक्ता के तौर पर लोकप्रिय रही पूर्व विदेश मंत्री सुषमा ने एक बेहद शानदार राजनीतिक पारी खेलकर मंगलवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे बीजेपी के ही नहीं बल्कि विरोधी दलों के नेता भी स्तब्ध हैं। 3 घंटे पहले ही सुषमा स्वराज ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए ट्वीट किया था। सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में कहा था, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा के निधन के बाद लोग बार बार उनके आखिरी ट्वीट को पढ़ रहे हैं, जो बेहद मार्मिक है। एम्स ले जाने से महज 3 घंटे पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के लोकसभा में पारित होने को लेकर था। उन्होंने इस विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया था और उन्होंने जो पंक्ति लिखी थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आभास हो गया था कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा रही हैं। सुषमा ने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा की खबर के बाद बार बार लोग उनके आखिरी ट्वीट को पढ़ रहे हैं, जो बेहद मार्मिक है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए।